राजधानी के चौमू कस्बे में 5 अप्रैल को हिंदू नववर्ष समारोह समिति की ओर से आयोजित होने वाली भगवा वाहन रैली को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। भगवा वाहन रैली के रूट को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति के बीच कई वार्ताओं का दौर चला, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने शहर में शांति और सौहार्द बनाने को लेकर कई बार प्रेस वार्ता भी की है और विधायक के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में लोग नगरपालिका परिसर में एकत्र हुए, जहां विधायक रामलाल शर्मा ने प्रशासन को शाम 5 बजे तक रैली के रूट को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की चेतावनी दी है और नगरपालिका परिसर में अतिरिक्त उपायुक्त बजरंग सिंह शेखावत, एसीपी फूलचंद मीणा, थानाधिकारी हेमराज गुर्जर भी मौजूद रहे, जहां विधायक रामलाल शर्मा ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त बजरंग सिंह ने शाम तक पूरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। रैली को लेकर कोई महाभारत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं शुरू से लेकर अब तक बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रशासन को कठोर कदम उठाने की यदि आवश्यकता है तो वो उठाए, लेकिन चौमू कस्बे में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन प्रशासन आखिरकार क्यों नहीं निर्णय करने की स्थिति में पहुँच रहा? आखिरकार उसको निर्णय तो करना पड़ेगा। आज जिन कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया, उनके बुलाने का मेन उद्देश्य यही था, मैंने अपनी भाषण के अंदर अपनी बात ये रखी है कि प्रशासन को जो कुछ कहना है सबका पक्ष सुनते हुए जो उचित हो, जो चौमू कस्बे की शांति व्यवस्था बनी रहे उसके हित में हो, जो कानून के दायरे में हो, जो लोकतांत्रिक तरीके से हो, जो संविधान ने जिनको अधिकार दिया उन अधिकारों की वो पालना करते हुए जो उनको कदम उठाने वो कदम उठाए। लेकिन आखिरकार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि प्रशासन को डर किस बात का है? आपको निर्णय आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और जब कल निर्णय करना पड़ेगा तो बेहतर है कि आज ही आप निर्णय कर दें। प्रशासन द्वारा पहले भी वार्ताओं का दौर जारी है और हमारी कई दौर की वार्ताएं दोनों समुदाय के लोगों के और गणमान्य लोगों से हुई है। उस वार्ता जो हुई है उसका जो हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है वो सकारात्मक है और हम चाहते हैं कि चौमू कस्बे के अंदर जो सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वार्ता के बाद में रैली का जो रूट निर्धारित करने का लगभग जो रास्ता है वो तय है और उसी रूट के अनुसार आज शाम को इसके ऊपर जो संपूर्ण जो निर्णय है वो लेके शाम को बता दें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।